कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज अपनी परंपरागत रायबरेली लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया। सोनिया का रायबरेली में ये पांचवा लोकसभा चुनाव है, इसीलिए कांग्रेस इस बार 5 लाख पार नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है, जबकि सपा बसपा ने कांग्रेस के समर्थन में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां से पहली बार 1952 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने जीत हासिल कर कांग्रेस का खाता खोला था, जिसे सोनिया गांधी तक ने वैसे ही जारी रखा है, वो भी तब जब यहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं उतरा था। सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो पहली बार उन्होंने अपने पति राजीव गांधी की संसदीय सीट अमेठी को चुना। 1999 में पहली बार वो अमेठी सीट से सांसद चुनी गई। इसके बाद 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो सोनिया ने बेटे के लिए अमेठी छोड़कर अपनी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की संसदीय सीट से चुनाव लड़ा। इसके बाद से सोनिया लगातार इस सीट से जीतती आ रही हैं। मोदी लहर में भी सोनिया गांधी को बीजेपी चुनौती नहीं दे सकी थी। इसका नतीजा था कि सोनिया ने 5 लाख वोट हासिल किए। उन्होंने बीजेपी के अजय अग्रवाल को करीब 3.5 लाख मतों से मात दी थी। रायबरेली लोकसभा सीट पर अभी तक कुल 16 बार लोकसभा आम चुनाव और 2 बार लोकसभा उपचुनाव हुए हैं। इनमें से 15 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 1 बार भारतीय लोकदल और 2 बार बीजेपी यहां से जीत चुकी है। 1957 में पहली बार हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उतरे और जीतकर सांसद बने। रायबरेली सीट सुर्खियों में तब आई जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां से चुनावी मैदान में उतरी थी। 1967 में इंदिरा गांधी यहां से सांसद बनी। इसके बाद वो लगातार 2 बार जीती, लेकिन 1977 में भारतीय लोकदल के उम्मीदवार राज नारायण के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। 1980 में इंदिरा गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। इसके बाद 1984 और 1989 में जवाहरलाल नेहरू के भतीजे अरुण कुमार नेहरू यहां से सांसद चुने गए। 1989 और 1991 में कांग्रेस से शीला कौल ने जीत दर्ज की। 1996 और 1998 में बीजेपी से अशोक सिंह यहां कमल खिलाने में कामयाब रहे, लेकिन इसके बाद से बीजेपी अभी तक जीत नहीं सकी है। 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा यहां से सांसद बने और 2004 में सोनिया गांधी ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। इसके बाद लगातार वो जीत दर्ज करती आ रही हैं। मोदी लहर में भी इस सीट पर बीजेपी का कमल नहीं खिल सका है। दिलचस्प बात यह है कि सपा और बसपा इस सीट पर खाता नहीं खोल सकी हैं।